Hi guys, hello everyone and welcome to an Academy Topper channel. This is your favorite G Square और आज हम करने वाले हैं Animal Kingdom का part 2 जिसके अंदर हम complete करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे non-chordates and chordates. Now before we start, कैसे हैं आप सब? जल्दी बताएंगे मैम को सब chat box में. How are you guys? कैसे हैं? आज 6 बजे आपके एक टेस्ट सीरीज है. खैर उसका मैंने कोई लॉन्च वीडियो कोई प्लानर अभी तक नहीं बनाया है बिकॉज अभी थोड़ा है इंतजार. उसको और बेटर करना है मुझे और उसमें चीजें और बेहतरी करनी है मुझे अभी. ठीक है, इसलिए आई हैव टेकन सम टाइम फॉर दैट टेस्ट सीरीज. तो कैसे हैं आप सब? हेलो चेतन भाई, कैसे हो भाई? येस्टरडे आई मिस्ड यू. यस, कल मैं चैट्स नहीं देख पाई. कल 4 घंटे का कल किया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पूरा मैराथन. कल आपका बहुत बड़ा चैप्टर कंप्लीट करा दिया था मैंने. यस, कल भी हमने पढ़ाई की थी. कल डिफरेंट टाइम पे की थी बट पढ़ाई पूरी हुई थी. 4 घंटे का लेक्चर लिया था जिसमें हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कंप्लीट किया था. परसों हमने एनिमल किंगडम शुरू किया था. आज हम एनिमल किंगडम खत्म करेंगे. ठीक है, और कल एनिमल टिश्यूज करेंगे. कल से 6:30 बजे करेंगे. ठीक है, बट एक मुझे तुमसे बहुत ज्यादा नाराजगी है, दैट इज द स्पेशल क्लासेस. तुम लोग स्पेशल क्लासेस पे क्यों नहीं आते हो 11:30 बजे? आपको पता है बेटा, सपनों को मुकम्मल करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है और वो आप कर नहीं रहे. यस, इससे मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ही ज्यादा. कुछ तो करो यार. यस, अरे कर तो दिया स्टार्ट. हाँ, नहीं तो आना चाहिए बेटा प्रैक्टिस क्लास में, बहुत जरूरी है आपके लिए. आपको खुद पता लगेगा कितने चेंज हो रहा है आपकी प्रिपरेशन. यस, हाँ मैम कल थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था, है ना. हाँ, यूट्यूब वाले बच्चों को थोड़ा सा कल बोर लग रहा था, बाकी ऑफलाइन वालों को बच्चों को मजा आ रहा था. बट यार एक क्लास तो उनको भी हफ्ते में मिलनी चाहिए ना. सारे दिन आपके लिए होते तो एक दिन तो चलो यार कुर्बानी दे दो उनको भी. वड्डे लोग हो यार तुम तो. लास्ट क्लास में हमने डिटेल में ये सब किया था बेटा. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से क्लियर है. नोट्स मैंने शेयर कर दिए थे टेलीग्राम पे. ये सारे नोट्स हमने लास्ट क्लास में बनाए थे. पूरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ. आज हमें स्टार्ट करना है अपने फर्स्ट फाइलम से, यानी कि पॉलीफेरा से हमने स्टार्ट करना है. दिस इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट द पॉलीफेरा. ठीक है, अब तुम बस मुझे ये बताओ कि इसके प्रॉपर नोट्स चाहिए या एनसीईआरटी हाईलाइट चाहिए, ये बताओ मुझे. मैं दोनों ही बना सकती हूँ, बस मेरा लिखने का काम बहुत ज्यादा हो जाएगा उस केस में. बताओ क्या चाहिए? आराम से लिख लिख के बता दूं एक एक चीज या एनसीईआरटी से पढ़ा दूं? आई थिंक थोड़ा लिख लिख के पढ़ा देना चाहिए. साल में एक बार पढ़ा लूं. अच्छे से मेहनत से पढ़ा देना चाहिए प्रॉपर नोट से ना. ठीक है, ओके भाई लोगों. ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट. अगर मेरे बच्चों ने बोल दिया तो उस बात को कोई पलट नहीं सकता. ठीक है, यस, हाँ हाँ करेंगे, प्रॉपर नोट्स के जरिए से करेंगे, माध्यम से करेंगे. ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके. चलिए तो उसके लिए हम ब्लैंक स्लाइड्स ऐड कर लेते हैं. ये मैंने बहुत सारी ब्लैंक स्लाइड्स ऐड कर ली हैं बच्चों, ये देखिए काफी सारी ऐड कर ली है. बट मुझे क्या लगता है ना, हर फाइलम को एक स्लाइड पे कंप्लीट करना चाहिए. नोट्स ऐसे होने चाहिए कि 9 पन्ने में 9 फाइलम खत्म. क्या कहते हो? नॉन कॉर्डिनेट्स के 9 फाइलम है तो हमें हर एक स्लाइड पे एक फाइलम खत्म करना है. क्या कहते हो? आज कुछ नए तरीके से एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, कुछ ऐसे बनाते हैं कि भाई बच्चा बाद में रिवाइज करे तो कहे कि यार गर्म माम ने बचा लिया इस एनिमल किंगडम से. कुछ तूफानी करते हैं आज, आज कुछ नया करते हैं जो हमने आज तक नहीं किया यूट्यूब पे. वन स्लाइड चैलेंज, ईच फाइलम ऑन वन स्लाइड, कुछ बढ़िया सा करते हैं. ठीक है, यस यस मैम, बट डिटेल शॉर्ट में होना चाहिए. अब हम एक स्लाइड पे लेंगे. हमें कैसे भी इंश्योर करना है कि भाई एक स्लाइड में ही हमको अपना पूरा फाइलम खत्म करना है, तब कुछ मजा आने वाला है. ठीक है मैम, आज हग डे है. वेरी नाइस बेटा, जो तूने हग बनाया ना मुझे उसी से पता लग गया तू सिंगल है. ठीक है, तो इतना इतना ऐसे प्रोमिनेंट नहीं करना चाहिए ना. अपने अपने जीवन के जो रहस्य हैं उन्हें अपने पास रखो बेटा, आपको सबको नहीं बताना चाहिए. जो तूने वहां पे लोगो बनाया ना, इमोजी टाइप बनाया, मेरे को उसी से पता लग गया कि बच्चा बहुत अकेला है जीवन में. ऐसे ऐसे बेटा आपको सबको नहीं बताना चाहिए सब चीजें. यस, हाँ मेरे बुरा लगता है, तुम मेरे बच्चे हो यार. इट हर्ट्स हियर इन हार्ट. ठीक है, कोई नहीं बेटा कोई नहीं, अभी नीट क्लियर हो जाएगा ना फिर हरियाली हरियाली है, हरियाली हरियाली. फिर तुम कहोगे कि मैम कैसे संभालू. चेतन वाइज लाइक कैसे संभालू कैसे समझाऊ. ठीक है चलो आ जाओ, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. आज पहला फाइलम कौन सा बच्चों? यहाँ लिख लेते हैं फाइलम नंबर 1.
फाइलम वन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, विच हैज अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. पहला फाइलम होता है जिसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, और इन पोर्स के कारण इन्हें बोलते हैं पॉरीफेरा. क्या बोलते हैं बच्चों इन्हें? पॉरीफेरा बोलते हैं. और इसका कॉमन नेम क्या होता है? स्पॉन्जेस होता है. कॉमन नेम क्या है बच्चों इसका? स्पॉन्जेस होता है. इन्हें पोर बियरिंग एनिमल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों इन्हें? हम पोर बियरिंग एनिमल्स बोलते हैं, क्योंकि इनका जो पूरा शरीर है वो छेदीला किस्म का होता है. कैसे किस्म का होता है बच्चों? पूरा छेदीले किस्म का होता है. ठीक है, वहीं पे अब हम आते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स. तो यहाँ पे हम लिखेंगे जनरल कैरेक्टर्स. तो अब जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो पहला जनरल कैरेक्टर हमारा कौन सा है? हैबिट एंड हैबिटेट, यानी कि ये कहाँ पे रहते हैं बेटा? ये रहते हैं पानी में, यानी कि जितने भी पॉरीफेरा होते हैं वो सब के सब पानी में रहते हैं. इसलिए इनका हैबिट एंड हैबिटेट क्या है? एक्वाटिक. अब एक्वाटिक में भी ये मरीन वाटर में भी रह सकते हैं, समुद्री जल में भी रह सकते हैं, और फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं. कहाँ रह सकते हैं? फ्रेश वाटर में. अगर ये फ्रेश वाटर में रहता है तो इसका एक एग्जाम्पल होता है जो है स्पॉन्जिला. मैम लुकिंग स्लिम, मेरे कैमरे में प्रॉब्लम है विनोद, तो मेरे को हमेशा मोटा दिखाता है, निकाल दूंगी तुझे तेरी नौकरी से. यस, तो बेटा फ्रेश वाटर में जो रहता है उसका नाम क्या था जल्दी बताइए चैट बॉक्स में. यस सूर्य, दैट इज योर स्पॉन्जिला. कौन सा बच्चों? वो है हमारा स्पॉन्जिला. ठीक है, बाकी जो हमारे पॉरीफेरा है वो सब कहां रहते हैं? मरीन वाटर में रहते हैं. ठीक है बेटा, ये सिंगल भी हो सकते हैं तुम्हारी तरह. ठीक है, ये सिसाइल एनिमल्स होते हैं, यानी कि जहां पे इन्होंने अपना घर बना लिया वहीं पे ये रहेंगे. ठीक है, अब ये आसपास कहीं मूव नहीं करेंगे तुम्हारी तरह. ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे, हैबिट एंड हैबिटेट के बाद. सिसाइल है, एक्वाटिक है, दे कैन बी कॉलोनियल, दे कैन बी सिंगल. ठीक है, सॉलिटरी इन नेचर. हैबिट एंड हैबिटेट के बाद हम क्या पढ़ते हैं बेटा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्या पढ़ते हैं बच्चों? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्विकली आंसर दो यार, ये तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, क्या है इनका? रिवाइज करो लास्ट क्लास पूरी मेरे साथ, चले जोश के साथ. अगर इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनके पास सबसे प्रिमिटिव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट इज द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्या है बच्चों? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये हो गया. अब नेक्स्ट पे आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद सिमेट्री की बात करते हैं. अगर हम इसकी सिमेट्री की बात करें तो बेटा इसकी शेप तो कोई होती नहीं है, ना सर्कुलर, ना सिलेंड्रिकल, ना ही अपन के जैसी, तो इसमें सिमेट्री भी नहीं होती, इसलिए दे ऑल आर एसिमेट्रिकल. क्या होते हैं बच्चों ये सब के सब? क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं. फिर आते हैं नेक्स्ट पे सिमेट्री के बाद बॉडी प्लान एंड जर्म लेयर्स की अगर बात करें तो इसके पास ना ही किसी तरह का बॉडी प्लान है, ना ही इसके पास किसी तरह का जर्म लेयर है. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे बस रिड्यूस डिप्लोब्लास्टिक लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? रिड्यूस डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हम इसे लिख सकते हैं. फिर आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हमारा आता है सीलोम. अगर सीलोम की बात करें तो इसके पास किसी तरह की ट्रू सीलोम नहीं होती, इसके पास सीलोम ही नहीं होती, इसलिए इन एनिमल्स को हम एसिलोमेट एनिमल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे एनिमल्स को हम एसिलोमेट एनिमल्स बोलते हैं. वहीं पे अगर नेक्स्ट हम देखें सेगमेंटेशन, अगर इसके सेगमेंटेशन की बात करें तो इसकी बॉडी में किसी तरह की सेगमेंटेशन नहीं होती है. तो सेगमेंटेशन प्रेजेंट और एब्सेंट? क्विकली आंसर चैट बॉक्स में, याद करके जाना पूरा एनिमल किंगडम. यस मेरे बच्चों, ठीक है, तो हमारी सेगमेंटेशन में यहाँ पे क्या होती है? एब्सेंट होती है. तो ये हो गए इसके जनरल कैरेक्टर्स. अब आते हैं हम इसके टिपिकल कैरेक्टर, यानी ऐसे कैरेक्टर जिनके ऊपर हम कहते हैं कि भाई ये जो हम पढ़ रहे हैं एनिमल वो हमारे पॉरीफेरा है. ठीक है, उस कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? टिपिकल कैरेक्टर. तो अगर टिपिकल कैरेक्टर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहला टिपिकल कैरेक्टर है इसके पास वॉटर कैनाल सिस्टम. क्या है मेरे बच्चों? बता दो जल्दी से चैट बॉक्स में. तो पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो हमारा वॉटर केनाल सिस्टम. क्या है वॉटर केनाल सिस्टम? अगर वॉटर केनाल सिस्टम की बात करें तो इसके फंक्शंस क्या क्या है, क्योंकि यहां से नीट में क्वेश्चन आता है. तो भाई वॉटर केनाल सिस्टम पानी लेके आएगा, पानी ऑक्सीजन लेकर आएगा, ऑक्सीजन में ले लूंगी. ठीक है, तो यानी कि पहला वॉटर केनाल सिस्टम का फंक्शन क्या है? इट ब्रिंग्स द वॉटर अलोंग विथ फूड, फूड प्लस ऑक्सीजन. ठीक है, इसके अलावा इट ऑल्सो ब्रिंग्स द स्पर्म्स, शुक्राणु भी लाता है जिसे कि रिप्रोडक्शन होता है. इसके अलावा तीसरा इसका फंक्शन क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट.
ये और क्या करता है, एलिमिनेशन करता है किसका, वेस्ट प्रोडक्ट का। तो जो भी अमोनिया बन रहा है उसे पानी में बाहर लेकर कौन जाएगा, वाटर कैनाल सिस्टम। वहीं पे इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, टिपिकल कैरेक्टर है, वो है द प्रेजेंस ऑफ क्वानोसाइट्स। कौन से सेल्स बच्चों, मैम के साथ बोलो कौन से सेल्स है इसके पास। इसके पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है जिनका नाम है क्वानोसाइट्स। अगर हम इन क्वानोसाइट्स की बात करें तो ये होते हैं हमारे फ्लाजिलेटेड सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं, ये होते हैं हमारे फ्लाजिलेटेड सेल्स। इन सेल्स का काम क्या होता है, ये वो सेल्स होते हैं क्वानोसाइट्स जिनका काम है डाइजेशन। ठीक है, तो यानी कि जो भी खाना आ रहा है उसको डाइजेशन का काम कौन करेगा, क्वानोसाइट काम करेगा। ठीक है, अब तीसरा आते हैं, इनकी बॉडी पे बहुत सारे कांटे लगे होते हैं, है ना, कांटे नहीं कटते, दिन और रात कहने थे तुमसे एक ही बात। ठीक है, तो कांटे लगे होते हैं, तो दीज कांटे आर कॉल्ड एज स्पिक्यूल्स। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, स्पिक्यूल्स। ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं, या तो ये कैल्शियम से बने होते हैं या फिर ये किससे बने होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर से। कैसे बने होते हैं बच्चों, या तो ये बने होते हैं स्पॉन्जिन फाइबर से। अगर वाटर कैनाल सिस्टम अगर हम देखें तो पानी बॉडी में अंदर किसके थ्रू आता है, ऑस्टिया। ऑस्टिया क्या है, ओपनिंग है जहां से शरीर के अंदर पानी आ रहा है। पानी ऑस्टिया से कहां जाएगा, एक कैविटी में जाएगा, उस कैविटी का नाम है स्पॉन्जोसील। कैविटी का क्या नाम है बच्चों, स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील से पानी एक ओपनिंग से बाहर आएगा जिसका नाम है ऑस्क्यूलम। क्या नाम है उसका, ऑस्क्यूलम। फिर आते हैं इसके नेक्स्ट कैरेक्टर पे। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर बात करें तो इसकी फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, क्या लगता है, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल क्या लगता है बेटे, बहुत प्रिमिटिव है, भगवान इन पे इतना काम नहीं किया, इसलिए क्या है, बाइसेक्सुअल। क्या है, बाइसेक्सुअल। अब आते हैं नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन, शरीर के बाहर होता है निषेचन या शरीर के अंदर होता है निषेचन। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर होता है, यानी कि इट हैज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसे बच्चों, इट शोज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये शो कर रहे हैं हमारे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि इसमें लार्वल स्टेजेस होती है। क्या होती है बच्चों, इसमें लार्वल स्टेजेस होती है। अगर इसके लार्वा के एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारा एच से हॉलो, यानी अंदर से खोखला होगा। ए से होगा एम्फी ब्लास्टुला, लार्वा का नेम क्या बच्चों, एम्फी ब्लास्टुला। और ये किसका एग्जाम्पल है, साइकॉन का। किसका एग्जाम्पल है ये, साइकॉन का। तो साइकॉन का जो लार्वा होता है वो अंदर से खोखला होता है और उसका नाम होता है एम्फी ब्लास्टुला। क्या नाम होता है उसका, एवरन एम्फी ब्लास्टुला। इसकी ट्रिक टू रिमेम्बर, मैम ने कैसे याद रखा हुआ, ऐसे आज भी, हैज शी हैज वॉट, शी हैज वॉट लुक्स, शी हैज, ये हो गया ना, ही हैज, तो हैज से मैंने याद रख रखा है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है पहला इसका साइकॉन। इसके दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल इसका ल्यूकोसोलेनिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या बच्चों, इसका ल्यूकोसोलेनिया। इसका तीसरा एग्जाम्पल कोई बता सकता है मुझे, यूप्लेक्टेला। क्या है इसका तीसरा एग्जाम्पल, यूप्लेक्टेला। ये जो ये यूप्लेक्टेला होता है ना, इसका मैं तुम्हें बताती हूँ, जापानी लोग, जहां लाल चंदन जाता था, लाल चंदन कहां जाता था, जापान में। ठीक है, शादी में वो वायलिन गिफ्ट देते थे। अगर आप मान लीजिए कि आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप लाल चंदन का उसे वायलिन गिफ्ट दे सके, तो आप दूसरा गिफ्ट ले सकते हैं, वो भी एक्सपेंसिव है पर थोड़ा कम एक्सपेंसिव है। वो क्या है, जोड़ा। जोड़ा किसका, श्रिम्प्स का, जो एक स्पॉन्ज में है। तो एक स्पॉन्ज है, उसके अंदर एक जोड़ा ऑफ श्रिम्प रह रहा है, लड़का और लड़की। तो आप वो जाके उसे पूरा दे देंगे कि ले भाई, जब मन करे खा भी लियो, वरने से देख लियो। ये जैसे जोड़ा साथ है, ऐसी तुम्हारा जोड़ा भी हमेशा साथ रहे। ठीक है बच्चों, है ना, समझ आया नहीं आया। तो यही चीज है, दिस इज अ वीनस बास्केट गर्ल, ये वीनस गर्ल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूप्लेक्टेला, जो कि काफी महंगा गिफ्ट होता है। इसके अलावा हमारा यूस्पॉन्जिया। यूस्पॉन्जिया क्या होता है, हमारा बाथ स्पॉन्ज होता है। क्या होता है बच्चों, ये हमारा बाथ स्पॉन्ज है, यानी कि जो लोग नहाते हैं और जो अपने शरीर को रगड़ते हैं, जैसे आपने देखा होगा अक्सर भैंस को ऐसे रगड़ते हैं, है ना, यस, भैंस को।
भैंस को आपने देखा होगा सुबह सुबह ऐसे रगड़ रहे होते हैं, आप ही अपने आप को रगड़ते हैं सुबह सुबह भैंस से, ठीक है। तो जिससे आप रगड़ रहे ना वो एक तरह का बाथ स्पॉन्ज होता है जिसका नाम होता है यू स्पॉन्जिया, ठीक है। फिर अनदर एग्जाम्पल कैन बी स्पॉन्जिला। अगर स्पॉन्जिला की अगर हम बात करें तो ये क्या है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। ये किसका एग्जाम्पल है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हमारे थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें एनसीईआरटी में दिए हैं। देखिए हमने सब कुछ कवर कर लिया बच्चों। अब देखो मान लो कि तुमने एनिमल किंगडम पढ़ा और तुम सोच रहे हो कि मैं रिवाइज कैसे करूं, होती है ना ये दिक्कत तुम्हारे साथ, मैं बताती हूँ कैसे रिवाइज करना है, ठीक है। ये देखो ऑस्टिया हमने किया, स्पॉन्जोसील हमने किया, ऑस्कुलम हमने किया, क्वानोसाइट हमने किया, स्पिक्यूल्स हमने किए, हर्माफ्रोडाइट हमने किया, और ये उसके एग्जाम्पल। बस ऐसे रिवाइज करते हैं एनिमल किंगडम को। जो भी ब्लैक वर्ड्स है वो आपके नोट्स में होने चाहिए और आपके भेजे में होने चाहिए, बस वहीं पे आपकी जिंदगी सरल है एनिमल किंगडम। क्योंकि देखो जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है ना तो वो भी इन्हीं से ही बनाता है, वो कहता है कि भाई इजी करे इस प्रोसेस को। अब जैसे हम सिलेंट्रेटा करेंगे, ठीक है, ये वाले, ये सारे हाइपोस्टोम होना चाहिए आपके नोट्स में, पॉलिप मेड्यूसा होना चाहिए, बस फिर बस इसके बाद हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ कैसे सिलेंट्रेटा पढ़ना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। सबसे इजी चैप्टर ये एनिमल किंगडम है अगर तुमने अपने मन में बसा ली ये बात, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आ रहे हम फाइलम नंबर टू पे। फाइलम टू कौन सा बच्चों, एनीबडी हु कैन टेल मी द नेम ऑफ फाइलम नंबर टू? यस, फाइलम नंबर टू इज सिलेंट्रेटा। बेटा प्लीज ध्वनि की आवाजों को थोड़ा अवॉइड करना, उसका नींद का टाइम था और मैं उसको अटेंड नहीं कर रही हूँ, उसको बेसिकली अभी मम्मी चाहिए अपनी, तो इसलिए वो थोड़ी सी एनॉयड है, ठीक है। पहले मैंने सोचा क्लास रीशेड्यूल कर दूँ, बट फिर मैंने सोचा कि तुम्हें भी मेरी जरूरत है, समझ ही नहीं आता कई बार ये जाए तो जाए कहाँ यार लाइफ में, ठीक है। तो सेकेंड फाइलम है हमारा सिलेंट्रेटा निडेरियंस, ठीक है। व्हाई वी कॉल दिस फाइलम एज सिलेंट्रेटा, आखिर इसका नाम सिलेंट्रेटा क्यों है? क्योंकि इसके पास, इसके शरीर में बीचों बीच एक कैविटी होती है जिसका नाम होता है सिलेंट्रॉन। क्या होता है इस कैविटी का नाम बच्चों? उस कैविटी का नाम होता है सिलेंट्रॉन। और ये जो सिलेंट्रॉन कैविटी है दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। क्या कौन सी कैविटी है बच्चों? ये हमारी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। कौन सी कैविटी है? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, यानी कि यहाँ पे ब्लड सिस्टम वाला काम भी होगा, डाइजेशन वाला काम भी होगा, इसलिए हम इसे सिलेंट्रॉन कहते हैं, और सिलेंट्रॉन की प्रेजेंस के कारण इस फाइलम को सिलेंट्रेटा कहते हैं, ठीक है। नाउ व्हाई दिस फाइलम इज कॉल्ड एज निडेरियंस, क्यों हम इसे निडेरियंस कहते हैं? क्योंकि इसके पास स्पेशल टाइप ऑफ स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं मेरे बच्चों? स्टिंगिंग सेल्स। कौन से होते हैं? स्टिंगिंग सेल्स। तो ये जो हमारे स्टिंगिंग सेल्स होते हैं इन्हें हम कॉमन भाषा में, यानी कि अपन आम आदमी की भाषा में क्या कहते हैं? नीडो ब्लास्ट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इसको हम बोलते हैं नीडो ब्लास्ट, ठीक है। ये जो नीडो ब्लास्ट होते हैं इनके तीन फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं इसके? तीन फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन तो क्या होता है? डराना, यानी किसी को भगाना, ठीक है। जैसे कि आप सुबह सुबह देसी घी लगा लो अपने चेहरे पे, कोई भी भाग जाएगा, यस, कोई आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। अब कल किस डे है, आप घी लगा के जा सकते हो, तो कोई किच्छी नहीं करेगा आपकी। तो पहला क्या है इसका बेटा? डिफेंस, अपने आप के बचाव में, ठीक है। देन अटैक, अटैक भी कर सकता है, और एंकरेज, यानी कि वो होता है ना एंकरेज, जैसे कि मान लो कि आपको महबूबा के घर पे चढ़ना है तो आप ऐसे रस्सी डालते हो फिर ऐसे ऐसे चढ़ के चले जाते हो, तो ऐसे ही स्टिंगिंग सेल भी क्या करता है? ऐसे कहीं पे भी फंसा लेता है अपने आप को, ठीक है, फिर वो हाइड्रा वहां पे चला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंकरेज बोलते हैं। तो इसलिए इसका नाम निडेरियंस है। तो व्हाई दे आर कॉल्ड सिलेंट्रेटा एंड निडेरियंस क्लियर है? नाउ जैसे कि हमने यहाँ पे शुरू किया था जनरल कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे क्या इसके जनरल कैरेक्टर्स के साथ। इसको कॉपी कर लेते हैं। हाँ बेटा एक सेकेंड ना, एक बार कॉपी कर लू ना तो मेहनत बच जाएगी। बस देखो ऐसे नोट्स बनाते हैं एनिमल किंगडम के, पेस्ट। ओ माय गॉड, उड़ी बाबा, बिल्कुल मजा आ गया, आज लग रहा है कि आईपैड का कुछ काम है। चलो सबसे पहले आते हैं इसके इनहैबिटेंट हैबिटेट पे। तो बेटा ये क्या होते हैं? दे आर फ्री स्विमिंग,
कैसे होते हैं बच्चा? ये हमारे फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, यानी कि ये आराम से तैर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिसाइल होते हैं, यानी कि जो एक जगह पे बस गए तो बस गए, ठीक है। बात करें तो ये सबके सब एक्वेटिक होते हैं, सारे के सारे एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल नहीं मिलते। एक्वेटिक में भी ये दोनों तरह के पानी में मिलते हैं, मरीन वाटर में भी मिलते हैं और फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। अगर मरीन वाटर की बात करें तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे जो चमकती है जेलीफिश, ओरेलिया। क्या एग्जाम्पल है इसका? ओरेलिया जेलीफिश। वहीं अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो यूनिसेक्सुअल होता है, फ्रेश वाटर होता है, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रा। क्या है उसका एग्जाम्पल? हाइड्रा। वहीं पे उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम सेलुलर लेवल के बाद हम कौन से पे जा रहे हैं? जल्दी से अब हम जा रहे बेटा, देखो जितना रिवाइज करोगे क्लास में याद कर लोगे। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या इसका? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वहीं अगर सिमेट्री की बात करें तो बॉडी सर्कुलर या सिलेंड्रिकल शेप होती है। जब भी बॉडी सर्कुलर या सिलेंड्रिकल शेप होती है तो एक टाइप की सिमेट्री हमें देखने को मिलती है, दैट इज रेडियल सिमेट्री। कौन सी है? रेडियल सिमेट्री। बॉडी प्लान की बात करें तो एक ही यहाँ पे ओपनिंग है जिसको हम हाइपोस्टोम बोलते हैं। तो अभी मैं बनाऊंगी डायग्राम। तो हाइपोस्टोम है, हाइपोस्टोम के अंदर एक माउथ है। अब माउथ से खाना आता भी है और गंध निकलता भी है, तो कौन सा तरह का हो गया ये? ये हो गया ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। कैसा हो गया? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। अगर इसकी जर्म लेयर्स की बात करें तो यहाँ पे दो जर्म लेयर्स होते हैं, बाहर वाली एक्टो, अंदर वाली एंडो, ठीक है। तो यानी कि डिप्लोब्लास्टिक। कैसे हो गए बच्चों? ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हो गए। सिलोम की बात करें तो सिलोम अभी तक ट्रू नहीं आई है, ना ही फॉल्स है, कोई भी तरह की सिलोम नहीं है, तो दे आर ए सिलोमेट। सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन यहाँ पे नहीं होती है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे? एब्सेंट। तो सेगमेंटेशन इज एब्सेंट, ठीक है। अब बातें नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हम करेंगे इसके टिपिकल कैरेक्टर्स। टिपिकल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स है जिनसे हम इसको पहचानेंगे कि भाई यही हमारा सिलेट ट्रेटा है, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर पॉलीमॉर्फिज्म। क्या है बच्चों? पहला कैरेक्टर पॉलीमॉर्फिज्म। नाम से मतलब निकालेंगे, पॉली का मतलब मैनी, मॉर्फ मतलब फॉर्म, यानी ये है भैरूपिया। जैसे कि कभी मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, कभी मैं अच्छा डांस करती हूँ, कभी मैं अच्छा गाती हूँ, कभी मैं अच्छा कंटेंट बनाती हूँ। तो क्या है? एक ही बंदा कितनी सारी फॉर्म्स है, आप समझ रहे हो ना किसकी तारीफ हो रही है, समझ रहे हो ना किसकी तारीफ हो रही है। तो जब एक एनिमल की बहुत सारी फॉर्म्स प्रेजेंट होती है तो उस तरह के फिनोमिना को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसके बारे में पहले लिख लेते हैं, मैनी फॉर्म्स इन अ कॉलोनी, मैनी फॉर्म्स इन अ कॉलोनी। अब इसकी दो फॉर्म सबसे ज्यादा हिट है, ठीक है ना बच्चों, दो फॉर्म इसकी सबसे ज्यादा हिट है। एक जो फॉर्म है इसकी, देखो तुम तो तारीफ करते नहीं तो इसे मैं खुद ही कर लेती हूँ। एक जो फॉर्म है इसकी उसका नाम है पॉलिप फॉर्म। क्या फॉर्म है बच्चों? पॉलिप। दूसरा जो फॉर्म है, जो सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी, फिर उसे श्राप दे दिया, मेड्यूसा। अगर इसकी फॉर्म की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। वहीं पे अगर मेड्यूसा के डायग्राम की बात करें तो मेड्यूसा कुछ इस तरीके से दिखता है। तो सबसे पहले इसका शेप देखते हैं, पॉलिप का शेप कैसे? एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स, इसका शेप कुछ सिलेंडर की तरह दिख रहा है, तो इसका शेप कैसा हो गया? सिलेंड्रिकल शेप। ये हो गया हमारा सिलेंड्रिकल शेप। वहीं पे अगर मेड्यूसा की बात करें तो ये कुछ छाता की तरह दिख रहा है, यानी कि अम्ब्रेला शेप। कैसा शेप हो गया इसका? ये हो गया अम्ब्रेला शेप, ठीक है, ये हमारा अम्ब्रेला की तरह दिख रहा है। वहीं पे अगर पॉलिप की बात करें तो भाई पॉलिप लग नहीं रहा, कहीं चल फिर पा रहा है मेरे बच्चों, यानी कि ये क्या है? सिसाइल है। जहां पे अपन, भाई देखो, जहां पे अपन नेटफ्लिक्स खोल के बैठ गए, अब हमको कोई हिलाना मत, पाप लगेगा तुम्हें, सिसाइल। ये हमारे होते हैं सिसाइल। जबकि अगर यहाँ पे देखें तो अम्ब्रेला क्या है? चल फिर रही है, ये फ्री स्विमिंग होती है। दिस फॉर्म इज फ्री स्विमिंग फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? ये फ्री स्विमिंग फॉर्म है, ठीक है। वहीं पे अगर तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, भाई किसको बैलेंसिंग की जरूरत है? एक तो पसरा हुआ है, एक बेचारा तैर रहा है, किसको बैलेंसिंग की जरूरत है? मेड्यूसा को। इसके पास एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है स्टैटोसिस्ट। क्या नाम होता है? स्टैटोसिस्ट, जो बैलेंसिंग में हेल्प करेगा। जबकि इसके पास स्टैटोसिस्ट नहीं होता, क्योंकि इसने तो कहीं घूमना फिरना है ही नहीं। अगर इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल की बात करें तो मेड्यूसा वो हिस्सा है कॉलोनी का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा?
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहीं पे पॉलिप वो फॉर्म है जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा. क्या शो करेगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, फिर आते हैं इसके नेक्स्ट पे बच्चों. नेक्स्ट हमारे पास है अनदर फॉर्मूला, सॉरी फिनोमिना. वो फिनोमिना हमारा है मेटाजेनेसिस. कौन सा बच्चों? मेटाजेनेसिस. तो अगर हम मेटाजेनेसिस की बात करें, कोई बता सकता है व्हाट इज मेटाजेनेसिस? यस, एनीबॉडी हु कैन टेल मी? देखो बेटा होता क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्म है मेड्यूसा और यहाँ पे एक फॉर्म है पॉलिप. इसको हम देसी भाषा में कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन. क्या कहते हैं बेटा इसको हम? ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन. ये होता है हमारा मेटाजेनेसिस. ठीक है, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन. मेड्यूसा जो है ये हमारे गैमीट्स बना रहा है. क्या बना रहा है मेरे बच्चों? गैमीट्स. गैमीट्स का मतलब एन एंड एन. ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं तो हमारे पास एक 2n बनता है. क्या बनता है? 2n. जाइगोट बनता है. जाइगोट से बनेगा लार्वा. क्या बनेगा? लार्वा. वही लार्वा आगे जाके किस में बदल जाएगा? पॉलिप में. मेड्यूसा ने बनाया गैमीट्स, गैमीट्स ने किया फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद बना जाइगोट, जाइगोट से बना लार्वा, लार्वा किस में बना? पॉलिप. अब जो ये पॉलिप है ये कैसा रिप्रोडक्शन शो करता है? एसेक्सुअल. यानी कि इस पॉलिप ने क्या बनाया? मेड्यूसा. तो यहां पे जो चल रहा है वो चल रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि यहां पे जो चल रहा है वो चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दिस टाइप ऑफ फिनोमिना वेयर यू हैविंग सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिटवीन मेड्यूसा एंड द पॉलिप फॉर्म, दिस इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस. ठीक है, मेटाजेनेसिस के एग्जाम्पल, द वेरी फेमस एग्जाम्पल इज ओबिलिया. ओबिलिया को हम क्या कहते हैं? सी फर. क्या बोलते हैं? सी फर. ठीक है बच्चों, ये इसका एग्जाम्पल है. अब आते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. जनरली ये क्या होता है हमारे? बायसेक्सुअल होते हैं. क्या होते हैं? बायसेक्सुअल होते हैं. डेवलपमेंट की बात करें तो इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है. क्या होती है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है. ठीक है, मतलब कि लार्वल स्टेजेस इसमें इंक्लूडेड होंगी, लार्वल स्टेजेस होंगे. अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसके. अच्छा चलो मैं बताती हूँ तुम्हें. पहला एग्जाम्पल, वो जो कैप होती है, जो पोर्तुगल की आर्मी जो कैप पहनती थी बेटा, उसके जैसा एक होता है. पहला एग्जाम्पल, तो उसका नाम क्या हो गया? पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, यानी कि फाइसेलिया. पहला कौन सा हो गया बच्चों? फाइसेलिया, विच इज पोर्तुगीज मैन Man of War. ठीक है, देन नेक्स्ट जो चमकती है, जेलीफिश यानी ओरेलिया. सेकेंड एग्जाम्पल क्या? ओरेलिया यानी कि जो चमकती है, जेलीफिश. जेलीफिश. अच्छा पेन, एक का नाम सी पेन होता है, तो उसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया? पेनेटुला. पेन से क्या याद रखना है? पेनेटुला. पेन से याद रखना है पेनेटुला, यानी कि सी पेन. ठीक है, फिर आ गया नेक्स्ट, आ गया हमारा गर्गोनिया. गर्गोनिया क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? यस, गर्गोनिया. गर्गोनिया एनीबॉडी? एडेम्सिया भी करेंगे. चलो तुम तब तक गर्गोनिया बता रहे हो, तब तक मैं नेक्स्ट बता, इसका कॉमन नेम बताओ. साइंटिफिक नेम तो मैंने ही बता दिया यार. एडेम्सिया, या हम कहते हैं इसे मेट्रीडिया, या हम इसको कहते हैं सी फैन. बिल्कुल सही. या हम इसको कहते हैं सी एनेमोन. क्या कहते हैं इसको? सी एनेमोन कहते हैं. ठीक है, गर्गोनिया सी फैन. ठीक है, तो ये कुछ काफी फेमस एग्जाम्पल है. एक हो गया हमारा ओबिलिया, दैट इज सी फर. इसके अलावा एग्जाम्पल हमारा बहुत सारे हाइड्रा हो गया. ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हमको याद रखने, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों. नेक्स्ट फाइलम कौन सा? ये फाइलम भी डन. क्लियर, नेक्स्ट फाइलम का नाम बताओ. नेक्स्ट फाइलम कौन सा है? नेक्स्ट फाइलम, फाइलम नंबर 3. फाइलम नंबर 3, फाइलम 3 कौन सा हमारा? छोटा सा फाइलम है, दैट इज टीनोफोरा. कौन सा हमारा? टीनोफोरा. अब टीनोफोरा को अगर हम बोले तो इसका कॉमन नेम क्या है? किस नाम से इसको हम बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सी वॉलनट्स, यानी कि अखरोट की तरह दिखते हैं. ठीक है, और क्या बोलते हैं इसे हम? और
यस। और क्या नाम है बच्चों इसका? छोटे छोटे होते हैं, वॉलनट की शेप में होते हैं, इसलिए से हमें सी वॉलनट्स कहते हैं, गूसबेरीज। ठीक है, जैसे कि हमारी वो हो गई आमले, आमला हो गया। ठीक है, देन वी हैव अनदर नेम कॉम जेलीज, इसे हम कॉम जेलीज भी कहते हैं। ये सारे नाम है हमारे किसके? टीनोफोरा के। अब आते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स में। चले लेट्स स्टार्ट विद इट्स जनरल कैरेक्टर्स, यहाँ लिख लेते हैं। वापस से करना पड़ेगा क्या? पेस्ट नहीं आता वापस से? पेस्ट आ गया, चलो भाई थैंक गॉड। चलो जनरल कैरेक्टर्स पे आते हैं। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कहाँ पे एनिमल्स रहते हैं? तो हमें ये समझना होगा कि ये सारे के सारे एनिमल्स एक्वेटिक हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन हैं। ठीक है, सारे के सारे एनिमल्स क्या है? एक्वेटिक हैं प्लस एक्सक्लूसिवली मरीन है। क्या बच्चों? एक्सक्लूसिवली मरीन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में मिलेंगे, हमें कभी भी ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे। दे आर फ्री स्विमिंग, ये आराम से तैर पाते हैं अपनी जिंदगी के कार्यकाल में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? टिश्यू, सेल या ऑर्गन? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री की अगर बात करें तो सेकेंड टाइम रेडियल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री। नाउ बॉडी प्लान एंड जर्म लेयर्स की बात करें तो बिल्कुल सेम, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, जर्म लेयर्स दो हैं, यानी कि डिप्लो ब्लास्टिक है। क्या बच्चों? ये डिप्लो ब्लास्टिक। सीलोम की अगर बात करें तो फिर से सीलोम तो एब्सेंट है, यानी कि ये क्या है? ए सिलोमे। क्या बच्चों? ये ए सिलोमे। सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन भी क्या है इसमें? एब्सेंट। अब आते हैं इसके टिपिकल कैरेक्टर्स पे। चलिए टिपिकल कैरेक्टर, टिपिकल कैरेक्टर में पहला कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज भाई ये अपने से रोशनी छोड़ते हैं। दैट इज दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज बायोल्यूमिनिसेंस। क्या कहते हैं उस फिनोमिना को? बायोल्यूमिनिसेंस, यानी कि ऑल एनिमल्स आर सदगुरु, सॉरी बायोल्यूमिनिसेंट, आर बायोल्यूमिनिसेंट। ठीक है, यस, ये अपने से एक रोशनी छोड़ते हैं, चमकते हैं। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे। अब सेकंड पे हमें किसका बनाना पड़ेगा? डायग्राम, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया हुआ है तो वही पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे आज आंवला, आंवला आंवला और ये आंवला। ठीक है, अब इसके ऊपर, आंवले के ऊपर यहाँ पे स्टैटोसिस्ट, ये एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, और यहां से ये हो गए इसके टेंटिकल्स। ऐसे कोई डायग्राम बनाया हो भाई एनसीईआरटी में? तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसके पास कितनी कॉम प्लेट्स है। कितनी कॉम प्लेट्स है बच्चों इसके पास? इसके पास एट एक्सटर्नल, एट एक्सटर्नल, सिलिएटेड या नॉन सिलिएटेड, यही क्वेश्चन है नीट का, सिलिएटेड या नॉन सिलिएटेड, एट एक्सटर्नल सिलिएटेड कॉम प्लेट्स है। क्या है? कॉम प्लेट्स, एट एक्सटर्नल सिलिएटेड कॉम प्लेट्स है इसके पास। ठीक है, फिर उसके पास यहां पे एक ओपनिंग है जिसे हम माउथ कह रहे हैं। यहां पे इसके पास टेंटिकल्स है। क्या है? टेंटिकल्स। ठीक है बच्चों, और यहां इसको बैलेंस करने के लिए क्या है इसके पास? स्टैटोसिस्ट। और इसकी बॉडी पे एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है जिसे हम कहते हैं कोलोब्लास्ट। कौन सा सेल होता है बच्चों? कोलोब्लास्ट। ये जो सेल होता है किस तरीके से काम करता है? एडहेशन, यानी कि मान लो कि इसे घूमते घूमते थक गया है, अब ये कहीं चिपकना चाहता है अपनी जिंदगी में, तो ये कोलोब्लास्ट की मदद से कहीं पे भी चिपक जाएगा, वहां पे रेस्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें, इसके मेन फीचर की बात, तो आते हैं इसके रिप्रोडक्शन पे। यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, जल्दी बता दो चैट बॉक्स में। ये क्या हमारे? बाइसेक्सुअल, ये हमारे बाइसेक्सुअल है। इनमें रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी शो नहीं करेंगे। सो दे ऑलवेज शो अ टाइप ऑफ अ रिप्रोडक्शन व्हिच इज कॉल्ड अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमेशा इनमें कौन सा मिलेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा कौन सा है इसमें? फर्टिलाइजेशन, बाय एक्सटर्नल या इंटरनल? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सटर्नल या इंटरनल? पानी में रहते तो फर्टिलाइजेशन कैसी रहेगी? एक्सटर्नल। जब भी आप कंफ्यूज हो जाए कि भाई एक्सटर्नल इंटरनल क्या है, तो उसका ये देखा करो कि वो रहता कहाँ है।
पानी में रह रहे तो मोस्ट प्रोबेबली उसका जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है और जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है। कैसी डेवलपमेंट है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। दे शो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे इसके अगर लार्वा की बात करें तो इसका लार्वा क्या है बच्चों? सिडिपीड लार्वा। क्या है बच्चों? सिडिपीड लार्वा। और इसके अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, चलिए आइए इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इस एग्जाम्पल। चलो भाई जल्दी से बाढ़ लगा दो। प्लूरो ब्राकिया, पहला एग्जाम्पल क्या है? प्लूरो ब्राकिया। दूसरा एग्जाम्पल होर्मी फोरा, होर्मी फोरा। तीसरा एग्जाम्पल क्या बच्चों? थर्ड एग्जाम्पल, यस हाँ, टीनो प्लाना। नाम से ही पता लग रहा है, टीनो प्लाना। और बताओ, और बताओ। यस, ये तीन तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। चौथा भी एक है और है हमारा बिरोए। कौन सा हमारा? बिरोए। तो ये चार हमारे बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसके? तीनों फोरा के। नाउ आगे हम चले, चलिए लेट्स गो थ्रू एनसीईआरटी वंस। चलो बेटा एनसीईआरटी भी साथ के साथ पढ़नी है जिससे कि कोई भी पॉइंट हमारा मिस ना हो। चलो देखिए अब जो मैम ने पढ़ाया और जो एनसीईआरटी में, चलिए लेट्स चेक, ठीक है। आज आप सब मेरे टीचर्स है। दे आर एक्वेटिक, लिखा हमने, मोस्टली मरीन। दे कैन बी सिसाइल लाइक पॉलीफॉर्म, दे कैन बी फ्री स्विमिंग, रेडियली सिमेट्रिकल, ये सब हमने लिखा। निडेरिया जो शब्द है वो कहां से आया है? नीडो ब्लास्ट से या नीडो साइट से। ये क्या है? स्टिंगिंग सेल्स है, ठीक है, जो टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये जो नीडो ब्लास्ट होते हैं एंकरेज डिफेंस और कैप्चरिंग ऑफ प्रे में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिप्लोब्लास्टिक, ये भी हमने लिखा। इनके पास एक सिंगल ओपनिंग गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, हाइपोस्टोम होता है, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर, ये हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कर चुके हैं। सम ऑफ निडेरियंस आर कोरल्स हैव अ स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमने लाइन नहीं लिखी है। कुछ ऐसे कोरल्स होते हैं, कुछ ऐसे हमारे सिलेंट्रेटा होते हैं जो कोरल्स कहलाते हैं जिनके पास कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। निडेरियंस एग्जिबिट टू फॉर्म्स, एक पॉलीफॉर्म है, एक दूसरा मेड्यूसा फॉर्म। द फॉर्मर इज अ सिसाइल, दूसरा सिलेंड्रिकल है, Hydra adamsia, whereas the later umbrella shaped is like Aurelia jellyfish. Those cnidarians which exhibit alternation of generation metagenesis, example is Obelia. और ये उसके example सब किया हमने. Done? Yes. Done? Clear? Notes पूरे हो गए. अब आते हैं next. ये diagram same आपको notes में दिख रहा होगा. Almost ऐसा सही हमने बनाया, ठीक है? They are called as sea walnuts, comb jellies. First point लिखा. एक्सक्लूसिवली मरीन लिखा, रेडियली सिमेट्रिकल लिखा, डिप्लोब्लास्टिक लिखा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा। द बॉडी बियर्स एट एक्सटर्नल सिलिएटेड कॉम प्लेट्स लिखा, विच हेल्प इन लोकोमोशन, डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा, ऑल द एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम आर बायोल्यूमिनेसेंट, मींस दे एमिट लाइट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी बाइसेक्सुअल हो गया, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मींस, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, प्लूरोब्रैकिया, तीनों प्लाना। क्लियर बच्चों? साथ की साथ मैं एनसीईआरटी भी रीड कर रही हूँ कि आपके अंदर 100% कॉन्फिडेंस रहे कि जो भी हम कर रहे हैं एवरीथिंग इज मेंशन इन एनसीईआरटी। डन बच्चों? चलिए अब हम आते हैं प्लाटी हेलमिंथस पे। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं प्लाटी हेलमिंथस। वन स्लाइड नोट्स अगेन मेरे बच्चों के लिए, फाइलम नंबर फोर। अच्छा फाइलम नंबर फोर, कौन सा फाइलम नंबर फोर? जिन्हें हम फ्लैटवर्म्स कहते हैं। और ये फ्लैटवर्म्स कौन से होते हैं? यस, ये होते हैं हमारे प्लाटी हेलमिंथस। प्लाटी हेलमिंथस कॉमनली कॉल्ड एज व्हाट? फ्लैटवर्म्स, यानी चपटे कृमी। हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं? चपटे कृमी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, इसके सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? जनरल कैरेक्टर्स। आ जाओ भाई, अब जनरल कैरेक्टर्स मैम नहीं बताएंगी, बच्चों की आंसरों की बाढ़ आनी चाहिए चैट बॉक्स में, क्योंकि ये मैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। जनरल कैरेक्टर्स, हैबिट एंड हैबिटेट, कहाँ रहते हैं? ये पैरासिटिक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये पैरासिटिक हो सकते हैं, एंडो पैरासाइट्स, बॉडी के अंदर रहने वाले, ठीक है। और क्या हो सकते हैं?
एक्वेटिक भी हो सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, कुछ भी हर जगह हो सकते हैं, ठीक है। कॉलोनीज में भी रह सकते हैं, कॉलोनी, यस, हर जगह, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम कौन सा आएगा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहली बार, सिमेट्री पहली बार, कौन सी आ रही है पहली बार? यस, पहली बार कौन सी आ रही है? बायलेटरल, पहली बार कौन सी आ रही है? बायलेटरल सिमेट्री। बॉडी प्लान एंड जर्म लेयर, बॉडी प्लान की अगर बात करें तो वही चल रहा है ब्लाइंड सैक, बट इस बार जर्म लेयर तीन आ चुकी है क्योंकि इस बार मीजोडर्म भी आ चुकी है, यानी कि ये क्या हो चुके हैं? ट्रिप्लो ब्लास्टिक। क्या हो चुके हैं बच्चों? ये ट्रिप्लो ब्लास्टिक। सीलोम की बात करें तो ये सिंस ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, चपटे कृमि होते हैं, इनकी बॉडी कैसी होती है? 2D की तरह होती है, तो ये सीलोम कैसा रहेगा? एब्सेंट, दे आर ए सिलोमेट। सेगमेंटेशन, फॉल्स सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है, कैसी? ट्रू नहीं प्रेजेंट होती, फॉल्स सेगमेंटेशन, यानी कि यहां पे होता है स्यूडो सेगमेंटेशन, बताया था। और जो हर स्यूडो सेगमेंट बनता है, जो हर फॉल्स सेगमेंट बन रहा है, उसे कहते हैं प्रोग्लॉटेड। क्या कहते हैं बच्चों उसको? प्रोग्लॉटेड। और ये प्रोग्लॉटेड हमें किस में देखने को मिलते हैं? टीनिया सोलियम। किस में देखने को मिलते हैं? टीनिया सोलियम में हमें देखने को मिलते हैं ये फॉल्स सेगमेंट्स, ठीक है बच्चों। अब आते हैं इसके टिपिकल कैरेक्टर्स पे। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट टिपिकल कैरेक्टर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बॉडी के बारे में, यानी कि पैरासिटिक अडेप्टेशन। भाई ये पैरासाइट है, पहली बार पैरासाइट आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी पैरासिटिक अडेप्टेशन। अगर ये हमारे पेट के अंदर रहने वाला है तो इसके पास कुछ तो अडेप्टेशन होगी। चलो बेटा जल्दी जल्दी बताओ, पहली अडेप्टेशन क्या है इसकी? हुक्स। हुक्स आर फॉर अटैचमेंट, सकर्स आर अटैचमेंट एंड फॉर सकिंग प्रोसेस। वो न्यूट्रिशन भी चूसेगा, वो अटैचमेंट भी कराएगा, बट हुक्स का काम है सिर्फ उसे चिपकाना, ठीक है। तो पहला है हुक्स, दिस इज ओनली फॉर अटैचमेंट। बट दूसरे कौन से हमारे? सकर्स। दूसरे कौन से हमारे? सकर्स। सकर्स में अडहेशन प्लस सकिंग, प्लस सकिंग, दोनों ही काम है किसके? हमारे पैरासिटिक अडेप्टेशन में। दूसरा पैरासिटिक अडेप्टेशन, बेटा इसे डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत है, हनी ने तो पहले ही बता दिया। क्या इसे डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत है? नहीं, इसे डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि इसे तो बना बनाया खाना मिल रहा है। अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक साल तक स्विगी से फ्री खाना मंगाने का ऑप्शन है, तो तुम कहोगे किचन की जरूरत ही नहीं है, स्विगी कर, सुबह मंगा पोहा, सुबह मंगा चाय, दिन में मंगा चाय, रात में मंगा दूध, सब कुछ आ रहा है यार, ठीक है। तो दे डोंट हैव, दे लैक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, ठीक है। प्लस आपको पता है हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, इन्हें अपने आप को एंजाइम से बचाना है। कैसे बचाएंगे? थ्रू क्यूटिकल। कैसे बचाएंगे? थ्रू क्यूटिकल। तो दे हैव थिक क्यूटिकल जो इन्हें एंजाइमेटिक एक्टिविटी से बचाने वाला है, प्रोटेक्ट फ्रॉम एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब सेकेंड अडेप्टेशन पे आ रहे हैं, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट आर प्लैटीहेलमिंथस, दे हैव अ स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिसका नाम होता है सेलेनोसाइट, और उसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? इनके पास एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है जो कि नीट का क्वेश्चन है। वो नीट का क्वेश्चन क्या बच्चों? क्या है एक्सक्रीशन ऑफ फ्लेम सेल, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा, मेरी आवाज चली गई है भाई, इतना कल 4 घंटे पढ़ाने के बाद मेरी आवाज चली गई है। फ्लेम सेल को हम कहते हैं सोलेनोसाइट। तीसरा नाम क्या होता है सोलेनोसाइट फ्लेम सेल? प्रोटोनेफ्रीडिया। तीसरा नाम क्या इसका? प्रोटोनेफ्रीडिया नाम है, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड जो इंपॉर्टेंट फीचर है इनका, वो क्या बच्चों? इसका रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये जो एनिमल्स हैं हमारे, दे कैन बी यूनिसेक्सुअल, ये यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल बॉडी आर इन टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। तो अगर यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल देखें तो क्या है? शिस्टोसोमा। क्या है उसका एग्जाम्पल? शिस्टोसोमा। वहीं पे मोस्टली बाइसेक्सुअल होते हैं, मोस्टली क्या हमारे? बाइसेक्सुअल है।
मोस्टली हमारे बाइसेक्सुअल है, ठीक है। वहीं पे अगर हम तीसरी चीज देखें इसमें रिप्रोडक्शन में कि भाई फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन मोस्टली इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो मोस्टली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। अब एग्जाम्पल की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट इट्स एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल है भाई? एक तो आपने कर ही लिया पॉर्क टेपवर्म यानी कि टीनिया सोलियम, कॉमनली कॉल्ड एज पॉर्क टेप वर्म, यानी कि कच्चा सुअर का मांस खाने से फैलता है। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है इसका? फैसियोला हिपैटिका। कौन सा है? फैसियोला हिपैटिका, यानी कि इसे हम कहते हैं लिवर फ्लूक। और ये किससे फैलता है? स्नेल, ठीक है। और कौन सा एग्जाम्पल है बच्चों इसका? वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे ट्रू रीजनरेशन शो करता है, प्लेनेरिया ड्यूजेशिया, ठीक है। प्लेनेरिया ये एक ऐसा एनिमल है विच शोज ट्रू रीजनरेशन, इट हैज अ पार्ट टू शो ट्रू रीजनरेशन, ठीक है। तीसरा, चौथा एग्जाम्पल है टीनिया सेजिनेटा। टीनिया सेजिनेटा, टीना सेजिनेटा कौन है बच्चों? इट इज अ बीफ टेप वर्म, गाय का कच्चा मांस खाने से होता है ये, ठीक है। बीफ टेप वर्म। और एनी अदर एग्जाम्पल गिवन इन एनसीईआरटी? आज बच्चे कह रहे हैं मैम क्यों, मैम जिंदगी के दुख काहे खत्म नहीं होते। चलिए आइए एनसीईआरटी टाइम। Now they have dorso ventrally flattened body. Done. That's why they are called as flatworms. They are most commonly endoparasites found in animals, including human beings. Flatworms are bilaterally symmetrical, triploblastic, acoelomates with organ level of organization. Hooks and suckers are present in the parasitic form. Some of them absorb nutrients from the host directly under their body surface. Specialized cells called flame cells help in osmoregulation and excretion. Sexes are not separate. Fertilization is internal. Development is through many larval stages. Example is planaria, which shows high regeneration capacity. And example is tina and fasciola. Ho gaya bhai? Clear hai? Simple tha? Yes. Chalo bhai, ab next phylum pe aayenge. Next phylum hai hamara Ascalminthes. Phylum number 5. Yes. One shot is a key to success for Garima Goyal. Mainly success hai. Main to doctor banungi is bar. I am also attempting NEET exam. Phylum number 5. Phylum number 5 kaun sa bacho? Ascalminthes. Ma'am, jo aap question YT pe dalte ho, please unke answer bhi de diya karo. Confusion ho jati hai kabhi kabhi, please. Main to sabke batati hu answer haathon haath. अच्छा, मेरे चैनल की बात कर रहे हो क्या? ओ ठीक है, ओके। एस्कल्मिंथेस, थैंक्स फॉर द फीडबैक बच्चों, वी आर ऑलवेज इंप्रूविंग एंड इंप्रोवाइजिंग। चलो, एस्कल्मिंथेस दे आर कॉमनली कॉल्ड एज राउंड वर्म्स, इन्हें क्या कहते हैं? हम राउंड वर्म्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड राउंड वर्म्स? ये राउंड वर्म्स इसलिए कहते हैं कि जब हम इनको काटते हैं ना ऐसे, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में ये सर्कुलर दिखाई देते हैं, इसलिए हम इन्हें राउंड वर्म्स कहते हैं। नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड राउंड वर्म्स? बिकॉज़ इन क्रॉस सेक्शन, जब इनका हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो दे अपीयर राउंड। क्या है? दे अपीयर राउंड इन शेप, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज राउंड वर्म्स। दे अपीयर लाइक वॉट? राउंड इन शेप, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज वॉट? राउंड वर्म्स। अब आते हैं इसके जनरल कैरेक्टर पे। कितना अच्छा लग रहा है यार, बार बार नहीं लिखना पड़ रहा, आज तो बिल्कुल मौज आ रही है। तुम्हें तो बेटा नोट्स मिल जाते हैं बने बनाए टेलीग्राम पे, है ना। अब हैबिट एंड हैबिटेट की बात करते हैं। दे आर पैरासाइट टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दे आर पैरासाइट टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स का एग्जाम्पल है मेलोडिया एंड इनकॉग्निशिया, एनिमल्स का एग्जाम्पल है एस्कैरिस यानी कि राउंड वर्म, ठीक है। तो सबसे पहले पैरासाइट on both plant and
एनिमल, एक्वेटिक भी हो सकते हैं कुछ, कुछ टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स भी हो सकती है जो धरती पे रहती है। ठीक है, ये सिंगल भी हो सकते हैं तुम्हारी तरफ, सॉलिटरी, ठीक है, या ये कॉलोनीज में भी रह सकते हैं। इनकी सब अपनी मर्जी चल रही है, सारी मर्जी अपनी चल रही है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम, ऑर्गन सिस्टम लेवल कौन सी शुरू हो चुकी है, अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो चुकी है। सिमेट्री की बात करेंगे फॉर द सेकेंड टाइम, बायलेटरल सिमेट्री, कौन सी सिमेट्री है, बायलेटरल। बॉडी प्लान की बात करें तो फॉर द फर्स्ट टाइम ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। जर्म लेयर्स की बात करें फॉर द सेकेंड टाइम, ट्रिप्लो ब्लास्टिक। सिलोम की अगर बात करें, सिलोम, ए सिलोमेट नहीं, फॉर द फर्स्ट टाइम ए सिलोमेट नहीं, स्यूडो सिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट। सेगमेंटेशन स्टिल इट इज कंप्लीटली एब्सेंट, अभी भी ये क्या है, हमारी एब्सेंट है। तो ये तो हो गए हमारे इसके क्या, जनरल कैरेक्टर्स। मैम याद कैसे करें बेटा, देख मैं इसको याद करना मुश्किल ही नहीं है, पहले तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ अच्छे से, उसके बाद ही अपने आप आ जाएगा, क्योंकि सिमेट्री में एग्जाम्पल बताया था। हाँ मैम रटाए जा रहे हो, अच्छा समझाऊं, विराज राकेश चाहते हैं मैं इसको समझाऊं, अच्छा समझाती हूँ रुक। सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है, एब्सेंट का मतलब होता है जो नहीं होती है। ठीक है, स्यूडो सिलोमेट यानी कि फॉल्स सीलोम। ठीक है, क्या होती है ये, लेक्चर नंबर 1 में समझा दिया था पूरा। ठीक है, लेक्चर 1 ही इंटरेस्टिंग होता है एनिमल किंगडम का, क्योंकि उसमें समझाने वाला काम होता है। ठीक है, बाकी भी नोट्स बनाने वाला काम होता है। अगर बेटा एनिमल किंगडम याद हो जाता तो ये दुख खत्म नहीं हो जाता जीवन के, हैं मैम हर साल 3-4 बार नहीं पढ़ा रही होती इसे ह्यूमन फिजियो की तरह। मैम भी हमेशा फेब और मार्च में क्यों पढ़ा रही होती है इस चैप्टर को। हमारे भी दुख है भाई, हमसे भी कभी पूछ लिया करो, यस हमसे भी पूछ लिया करो कभी, हमसे को कभी पूछते ही नहीं तुम लोग। चलो आ जाओ, जितनी जल्दी हो सके इसको खत्म कर लो बेटा, मैं देखना नहीं चाहती इस चैप्टर को उसके बाद। यस मैं बता रही हूँ, जैसे एनिमल किंगडम शुरू हुआ मैंने कहा नहीं यार मन नहीं यार, एनिमल किंगडम मन नहीं है। फिर मैंने सोचा अगर मैंने इसको छोड़ना शुरू कर दिया तो फिर से वो एक हफ्ते का ब्रेक आ जाएगा, मेरे को चिड़ हो जाती किसी चीज से अगर होगी ना, तो फिर तो ऐसे से चलना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने कहा नहीं, इसकी कंसिस्टेंटी कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए। इस चैप्टर को पता है कैसे पढ़ाने का मन करता है, मैं बता दे रहा हूँ मैं। चलो थोड़ी मस्ती करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स भी लाइक मैम क्यों, और मेरे को भी तो मजा आना चाहिए पढ़ाते वक्त। आई एम नॉट फ्रॉम दैट टीचर ना कि बस पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको पढ़ाना है, मजा आना चाहिए यार पढ़ाते वक्त हमेशा। सोनी करता है मैनू तू प्यार, आया नहीं रे आज फिल्टर वगैरह, यार पता नहीं क्या हो गया इसको, नजर लगा दी तुमने फिल्टर, वो डाउनलोड ही हुआ जा रहा है तब से, आ ही नहीं रहा आज, नजर लगा देते तुम जब देखो वही फिल्टर को। और क्या डांस करो डॉक्टर हर्षिता, जब तेरा एडमिशन हो जाएगा ना मेडिकल कॉलेज में, जब तेरे सीनियर आएंगे वो भी यही कहेंगे डांस करो करके दिखाइयो अच्छा लगेगा। चलो आओ अब टिपिकल कैरेक्टर पे आते हैं, आजकल मिंतेस के सबसे पहला टिपिकल कैरेक्टर क्या है भाई, कि इसके पास मस्कुलर फैरिंग्स है जिससे खाना निगल पाता है बढ़िया तरीके से। क्या इसके पास मस्कुलर फैरिंग्स है, क्या इसके पास मस्कुलर फैरिंग्स जिससे आराम से खाना सक कर पाता है, पहली बार आया मस्कुलर फैरिंग्स इसलिए बोलना पड़ता है। ठीक है यस, चलो तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इसका क्या है, डाइजेशन हमको पता है इसका एक्स्ट्रा सेलुलर होता है कंप्लीट होता है, फिर रेस्पिरेशन, अच्छा एक्सक्रीशन। अगर इसके एक्सक्रीशन की बात करें तो इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम क्या है, ये तो मैं एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में बता चुकी हूँ यार, अब तो तुम्हें याद होना चाहिए, रेनेट सेल, क्या नाम है इसका, रेनेट सेल।
नेक्स्ट क्या है बच्चों? एक्सक्रीशन के बाद जल्दी बताओ नेक्स्ट क्या है। मैम कभी कभी करती हूँ तो रोज नहीं करती। अच्छा रिप्रोडक्शन पे आते हैं, ठीक है चलो इसके रिप्रोडक्शन पे आते हैं। अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं जनरली। क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरनल। डेवलपमेंट क्या है? डायरेक्ट भी होती है इनडायरेक्ट भी होती है, बट आई थिंक एंटाडिनेस में इनडायरेक्ट लिखा है। ठीक है अब इसमें जो मेन चीज हमें पढ़नी है वो पढ़नी है एस्कैरिस के बारे में, क्योंकि इसका डायग्राम दिया है आपने देखा होगा। टेढ़ा है पर मेरा है कौन? मेल। सीधी है पर प्यारी है कौन? फीमेल। कैसे याद रखोगे इसको नीट एग्जाम में? टेढ़ा है पर मेरा है कौन? मेल। सीधी है मेरी प्यारी है कौन? फीमेल। ठीक है तो आप यहां पे देख सकते हैं दिस इज अ मेल एस्कैरिस, ये हमारी फीमेल एस्कैरिस है। मेल की हाइट छोटी होती है, शॉर्ट, शॉर्ट हाइट। क्या होगी इसकी? शॉर्ट हाइट। जबकि इसकी क्या है? लॉन्ग, ये लॉन्ग है। ठीक है अब जो मेल है इसके पास पीनियल सीटे होते हैं फॉर इंसेमिनेशन। क्या होता है? इसके पास पीनियल सीटे होते हैं फॉर इंसेमिनेशन। जबकि फीमेल के पास क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, इसके पास दो ओपनिंग है। एक तो गोनोपोर है जहां पे मेल का क्या आएगा? स्पर्म आएगा। दूसरा एक्सक्रीटरी पोर। दूसरा क्या है इसका? एक्सक्रीटरी पोर। वहीं पे अगर इसकी टेल की बात करें तो इसकी टेल कैसी है? राउंड। जबकि इसकी टेल क्या है यहाँ पे? स्ट्रेट। तो ऐसे आप महिला और पुरुष को क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं मेल एंड फीमेल एस्कैरिस। ठीक है भाई आया सबको समझ में? यस जल्दी बताओ नोट सही बन रहे हैं? अरे स्पैमर्स की छोड़ो यार तुम, नोट्स यार नोट्स तो बढ़िया बन रहे हैं। अच्छे मेरे को अच्छे लग रहे हैं नोट्स, तुम्हें पता नहीं मेरे को अच्छे लग रहे हैं, भरे हुए ऐसे लग रहे हैं ना, एक एक स्लाइड में पूरा पूरा एक एक टॉपिक फिनिश। आज इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। सम स्टूडेंट्स थिंकिंग इन ब्रेन, मैम टाइम पास कर रहा आज आप भी। चलो पहला वाला करेंगे, पहला एग्जाम्पल क्या है अभी पढ़ लिया हमने? एस्कैरिस। ठीक है दूसरा क्या है? बुचेरिया। तीसरा क्या है? तीसरा एग्जाम्पल एनीबडी यू कैन टेल मी? यस मिलोडी गायन। चलो ये तो तुम्हें पता ही होगा। और यस एनी हुकवम। हुकवम का साइंटिफिक नेम एंसाइलोस्टोमा। एंसाइलोस्टोमा। और एनी अदर? यस मैम थ्री पार्ट भी आएगा इसका। हाँ बेटा नाम ही का बिल्कुल आएगा। मीरा पास हो गए। अनामिका समझ गई। अनामिका कह रही है मैम कल 6:30 बजे करेंगे बाकी का चैप्टर, मेरा बस हो गया भाई। एनिमल किंगडम बेटा इसको खत्म करते फिर से स्पीड आ जाएगी हमारी पढ़ने की। ठीक है इसको खत्म कराते कल देखो, कल हम इसके कितने फाइलम बचे हैं हमारे पास? 5 हो गए ना आज, टोटल 11 है हमारे। चैप्टर तो थोड़ा बचा हुआ है, कल लंबा वाला लेंगे। यार सच में यार आज भी पढ़ाया जा रहा है। एक तो शायद ये 1 बजे का टाइम है, 1 बजे का टाइम में कभी नहीं लेती क्लासेस, मे बी दैट्स द रीजन। बच्चे कह रहे हैं एनिमल टिश्यू कब होगा, एनिमल किंगडम भी पढ़ाए जा रहे हैं यार मैम। यार जिंदगी झंडोर के मेरी भी। चलो बेटा कल आएंगे फिर से, ठीक है आज चलो आज कुछ तो हुआ ना, 1 घंटा वो हमने पढ़ा बट कुछ तो हुआ ना। कल हम एनलिडा छोटा सा आर्थ्रोपोडा होते फिर फटाफट चलेगा। ठीक है फिर मैं एक टेबल लेकर आऊंगी एम्फीबिया उन सबकी, वो तो टेबल से पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है हाँ नोट सेंड कर रही हूँ अभी, टेलीग्राम चैनल से ले लेना भाई। उससे पहले एक दो इम्पोर्टेंट सूचना है, जो भी बच्चा चंडीगढ़ में हमारा रितु मैम से पढ़ना चाहता है उज्ज्वल सर से या विष्णु सर से, वो अपना क्रैश कोर्स शुरू कर सकता है। अभी भी यू हैव चांस एंड टाइम टू एनरोल इन ऑफलाइन क्लासेस ऑफ रितु मैम। ठीक है जी स्क्वायर कोड आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे यस लास्ट लैब बैच है जो कि हमारे बहुत ही अमेजिंग पैनल ऑफ टीचर्स का है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10% ऑफ आपको मिल जाएगा कोड यूज करने पे। ठीक है और यहाँ पे मैं बच्चों के नोट्स बेचती हुई
जो बच्चे नहीं आए वो कहेंगे अरे मैम सोचा था रिकॉर्डिंग में देख लेंगे यार। कल यहीं से हम शुरू करेंगे वापस से। भेज रही हूँ हाथों हाथ भेज रही हूँ, मैं हाथों हाथ भेज देती हूँ, बात का काम खत्म। भेजिए गए। ठीक है एस्केरिस की लाइफ साइकिल की ट्रिक बता दो, तुझे करनी क्यों एस्केरिस की लाइफ साइकिल ये बता पहले मुझे। है तने ज्यादा पढ़ने का शौक चढ़ा है, जितना एनिमल किंगडम दिया है ना एनसाइडियो में पहले वो याद कर फिर जा तू एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। पहले वो पढ़ो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ज्यादा हीरो मत बनो लास्ट टाइम में, अपना उतना ही पढ़ा करो जितना नीट में आएगा, हीरो बनते हो हर चीज पे। दो चार चीजें क्या सीख ली वो पढ़ा दो, ये पढ़ा दो जो पढ़ा रहे उस पे नहीं आप एक्स्ट्रा पढ़ा दो। यस शाम को क्यों क्लास हो गई बेटा, मैं पूरा दिन यही यूट्यूब पे बैठी रहूंगी क्या? मेरे पास भी कुछ काम वाम है अभी, वीडियोस बनाने हैं तुम लोग के लिए अच्छी अच्छी इतने अच्छे नोट्स लेकर आई हूँ तुम लोग के लिए, वीडियो बनाऊंगी मैं जाके। ठीक है चलो भागो यहाँ से सबके सब भागो।